वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे वो है पारस डिफेंस का। और पारस डिफेंस का शेयर देखिए दोस्तों, हमने 19 तारीख को डिस्कस किया जब अपर सर्किट था, और मैंने कहा था कि जिस दिन भी आपको जब भी मौका मिलता है इसमें जो है लगभग 10,000 रुपये के साथ एक एग्जाम्पल दिया था कि आप लगा सकते हैं। तो 10,000 रुपये से यदि एग्जाम्पल लें तो आपको नेक्स्ट डे इसमें टाइम मिला होगा। यदि बात किया जाए तो देखिए ये 19 अक्टूबर का समय था और 20 अक्टूबर को इसने मौका दिया था आपको लगभग जो है 900 के लेवल पे, आपको 900-950 के लेवल पे यदि आपने खरीदा होगा तो यहाँ पे खरीदा होगा। तो यहाँ से आपको देखा जाए तो आपको यहाँ से 20-22% का रिटर्न जो है मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप करना क्या है दोस्तों, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करने के पहले चाहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन, चूंकि मैंने मार्केट आवर में दिया था तो मार्केट आवर में भी मिल जाए। तो बात करते हैं, देखिए दोस्तों यदि बात कर ले इसका फंडामेंटल का, तो सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं फिर बात करते हैं कि करना क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए बात की मार्केट कैप जो देखा जाए पारस डिफेंस का वो है 4,622 करोड़ का। पी देखा जाए तो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है 231 के, जबकि आपकी इंडस्ट्री पी जो है 24। तो वहाँ से देखा जाए तो 8-9 टाइम्स जो है अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। और आरओसी देखा जाए तो 12.6 है और आरओई देखा जाए तो 12.3% है, जबकि मैं एक बेस्ट लेके चलता हूँ कि 15% के ऊपर कम से कम आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी होना चाहिए, मेरा मानना है। और देखा जाए तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है और यहाँ पर सेल्स देखा जाए तो 147 का है, और प्रॉफिट जो है यहाँ देखा जाए तो आपको 20 करोड़ का दिख रहा है और डेप्थ जो है 103 करोड़ का दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और डेप्थ में थोड़ा अंतर है, बट मार्केट का अच्छा खासा है तो वहाँ पर डेप्थ की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखा है प्रॉफिट जो इन्होंने दिया है 3 सालों में 114% का दिया है, ये तो बहुत अच्छा है। और इसके बात कर ले दोस्तों यहाँ पे देखा जाए प्रोज की या कॉन्स की, तो देखिए इसमें काफ़ी कॉन्स है, प्रोज एक भी नहीं है, क्योंकि देखिए स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 27 टाइम्स जो है इसके बुक वैल्यू का। वहीं पे बात करें दो दो कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट अच्छा खासा दे रही है, बट ये जो है पे नहीं कर रही है और डिविडेंड नहीं पे करती है, और टैक्स रेट जो देखा जाए सिम लो है। और बात करें कि कंपनी का जो है डेबिटर डे जो है 242 डेज का है, तो ये सारे कॉन्स हैं। तो ये सारे कॉन्स होने के बावजूद भी ये शेयर चल रहा है, तो अभी आपको इसी बेसिस पे मैं देखूंगा, थोड़ा सा रिजल्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देख लिया जाए। तो देखा जाए दोस्तों 2017 में 8 करोड़ का प्रॉफिट था, आज के डेट में 2020 का दिखा रहा है 40 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, और सेल्स जो है 147 करोड़ हो गया है 4 सालों में। और वहीं नेट प्रॉफिट देखिए 2 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास हो गया, जबकि 18 में 25 करोड़ के आसपास था। और यहीं पर देखा है 3 साल का जो इनका रिटर्न इन इक्विटी है 17% है, तो 3 साल पे तो अच्छा है, बट लास्ट ईयर में इसने 12% दिया है, तो ये थोड़ा सा खराब है। और यहाँ पर बताया जाए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो काफ़ी इंक्रीजिंग है 114% का, लेकिन 12 मंथ देखा जाए तो 5% का है, तो यहाँ पे थोड़ा मार खा रहा है। जो 12 मंथ की बात करें, 1 साल की बात किया जाए और 3 ईयर्स का देखा जाए, यहाँ पे कंपाउंडेड सेट 45 है, लेकिन यहाँ पे 12 मंथ पे देखा जाए तो वहाँ पर -5% है, तो यानी डिग्रेड हुआ है। तो अब बात करें कि ये शेयर जो है, इतना तो आपने फंडामेंटल समझा, और बात करें कि काम कहाँ करती है क्या करती है, उसके बाद और बाकी चीज़ों को डिफाइन करूँगा मैं। पारस डिफेंस जो है काम करती है आपका स्पेस और डिफेंस में, और स्पेस और डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी। और की देखा जाए, की पॉइंट देखा जाए तो ये लीडिंग डिफेंस कंपनी है और लगभग 40 सालों से काम कर रही है। और इसका डिफेंस में देखा जाए, विभिन्न बिजनेस सेगमेंट देखा जाए तो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में देखा जाए तो 45% का रिवेन्यू जो है आता है एज पर 20 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और ईएमपी सॉल्यूशन देखा जाए 28.5% का रिवेन्यू देता है, हैवी जो इंजीनियरिंग जो है 26% का रिवेन्यू देता है। और वहीं पर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है इनके पास जो है आपको देखिए नवी मुंबई में है, और बात करें 400+ वर्कफोर्स है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है, 33 डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट और सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। और बात करें टाइअप है डिफरेंट सेवरल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से भी इस कंपनी का, और एक्सपोर्ट देखा जाए तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो इनको छूट देखा 42 कंट्री में ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे कंपनी जो है 12.5% एक्सपोर्ट करती है, और वो उसमें जो है इजराइल है, आप इजराइल को करती है, तो ये साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया में ग्रीन ऑप्टिक्स भी भेजती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाई कंसंट्रेशन रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटिटीज देखा जाए तो है, और बात करें हेल्दी ऑर्डर बुक है इनके पास 305 करोड़ का। और वहीं पर आरएनडी फैसिलिटीज़ देखा जाए तो अच्छा खासा आरएनडी फैसिलिटीज़ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखा जाए तो एक्सपेंशन किया है प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को कहाँ पे नवी मुंबई में, और डाइवर्सिफाइंग
कर रहा है प्रोडक्ट ऑफरिंग को, और ये सारी चीजें तो हमने समझ ली। तो इससे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पी और स्टॉक का पी डिफरेंट है। आरओई देखा जाए मेरे हिसाब से 15% होना चाहिए, 15% से ऊपर होता है तभी मैं अच्छा मानता हूँ। आरओसी भी यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, और देखा जाए तो कौन सी कौन से है, और ये बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए -5% रहा है 12% का। यहाँ पर जो है एक साल में, इस साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट 3 साल पर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा रहा है, तो ये भी इसको भी देख सकते हैं और बात कर ले। हो सकता है आने वाले समय में, तो देखिए अब क्या करना है, आने वाले समय में क्या हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यदि आने वाले समय की बात किया जाए तो वहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से और 5% का अपर सर्किट देखने को मिले। बट यदि मैं जहाँ से डिस्कशन करना शुरू किया था और वहाँ से यानी 950 और 970 के आसपास यहाँ पे खरीदा होगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 22% का रिटर्न मिल रहा है और 5% और मिल जाता है, तो आपको लगभग लगभग जो है 27 से 28% का रिटर्न मिलता है, और 3-4 दिनों में 28% का रिटर्न में मुझे लगता है 50% अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। क्यों बुक करना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज किया आपने 10,000 लगाया और आपको आपको कितना फ़ायदा हो रहा, 12,000 का फ़ायदा हो रहा, मतलब 12,000 हो गया आपका जो टोटल प्रॉफिट लेके, तो आपका जो है 12,000 में से 6,000 निकालते हैं, तो 6,000 आप यदि बाहर निकाल देते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है 6,000 हो जाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो 54% हो जाता है, ये अंतर है 3 दिनों में। तो आप उस पर कैलकुलेट करेंगे कि आपका 4,000 अब बच जाता है, आपने 6,000 अपने निकाल लिए तो बच गया 6,000, जिसमें से आपका मूल जो है कितना रह गया, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4,000 है, और 2,000 जो है आपका क्या प्रॉफिट है। तो ये देख के आपको लगेगा कि आप 50% के प्रॉफिट पर बैठे हुए, तो ये बहुत जरूरी होता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो है कैपेबिलिटीज आ जाती है झटकों को सहने के लिए, क्योंकि इस तरह के शेयर जब ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ये भी है कि कब नीचे आ जाए ये आपको किसी को भी नहीं पता होता है, और फिर लोअर सर्किट में आपको कभी ये बिक नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि मंडे को यदि 5% का ऑप्शन मिलता है, मेरा मानना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और आप ये हो सकता है कि शेयर बहुत ऊपर चला जाए तो आप मुझे गाली नहीं दीजिएगा, क्योंकि होता है कि मैंने कह दिया और आपने बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये मेरा एक व्यू है जो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप 25% का प्रॉफिट हो रहा था, 50% निकालिए तो आपका प्रॉफिट जो है 50% दिखने लगता है, और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है बहुत फेवरेबल हो जाता है आपके कंडीशन में। और जो बचे हुए मान लीजिए आपने 12,000 में 6,000 निकाल, 6,000 कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो हेल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ें समझना चाहिए। तो ये चीज़ों को समझने के बाद यदि समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।